जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। इट इज लेसन नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री। द नेम ऑफ द लेसन इज द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में असीं पढ़ांगे। सो लास्ट चैप्टर असीं पढ़ के आए थे कि महमूद ऑफ गजनी जिहड़ा है उन्हें 11th सेंचुरी की बिगनिंग हिंदुस्तान के उपर अटैक करने शुरू कर दिए थे। सो उस तो 150 साल बाद की गल कर रहे हैं। महमूद गजनवी तो 150 साल बाद एक होर हमलावर अफगानिस्तान तो हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करता है, बहुत सारे एरियाज अपने कब्जे कर लेता है और वापस चला जाता है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद गौरी। सो सारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी से इन्वेजन्स। मोहम्मद गौरी के हमलों की शुरुआत करा जी। देखो मोहम्मद गौरी जिहड़ा है अफगानिस्तान के विच गौर नाम की जगह का राजा सेगा। ही इनवेटेड इंडिया अराउंड 1198। उन्हें हिंदुस्तान के उपर 1190 के आसपास जिहड़े हमले करने शुरू कर दिए। हमले करने का कारण यही सीगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी दौलत सी, बहुत ही अमीर एरिया है। सो रुखपाट के मद्देनज़र जिहड़ा है हिंदुस्तान के उपर हमले करना है। 1190 के आसपास इन्हें हिंदुस्तान के उपर हमला किया और इन्हें पंजाब और सिंध वर्गे जिहड़े इलाके ने अपने कब्जे विच कर। फिर इस तो बाद अगे दिल्ली वल नूं वधदा है। इन 1192 इन द सैकेंड बैटल ऑफ तराइन मुहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। 1192 सैकेंड बैटल ऑफ तराइन के मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान नूं हरा दिता। पृथ्वीराज चौहान का उस टाइम दिल्ली और अजमेर के उपर राज सीगा, लेकिन सैकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान जिहड़ा है मुहम्मद गौरी तो हार जाता है, जिस कारण मुहम्मद गौरी का जिहड़ा राज है वह दिल्ली ते अजमेर के उपर हो जाता है। सो इस तरह जिहड़ा है दिल्ली और अजमेर मुहम्मद गौरी के अंडर हो जाते हैं। इस तो बाद की हुंदा है ही मेड कुतुबुद्दीन ऐबक इंचार्ज ऑफ इंडियन एरिया। जिहड़ा एरिया मुहम्मद गौरी ने जितया सीगा खासकर दिल्ली अजमेर। सो जिन्ना भी हिंदुस्तान का एरिया सीगा, जो भी एरिया मुहम्मद गौरी के अंडर आया, उस एरिए का इंचार्ज मुहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिता और खुद वापस जड़ा है अफगानिस्तान के विच गौर के विच चला गया। इस तो बाद की हुंदा है अगला स्टेप जड़ा है असीं देखते हैं। दैन नैक्सट टॉपिक है साढ़े को एस्टैबलिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किवें हुई। सो देखते हैं कि किवें कुतुबुद्दीन ऐबक जिहड़ा है जो पहला गुलाम सीगा और एक मामूली गवर्नर बनाया गया सी हिंदुस्तान का, गवर्नर तो किवें वह जिहड़ा है हिंदुस्तान का सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1206 आफ्टर डैथ ऑफ मुहम्मद गौरी। हुंदा की है कि मुहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना के वापस अफगानिस्तान चला गया। अचानक 1206 दे विच कुतुबुद्दीन ऐबक की डैथ हो जाती, सॉरी अचानक 1206 दे विच मुहम्मद गौरी की डैथ हो जाती है अफगानिस्तान दे विच, और इस चीज़ का फायदा उठा के कुतुबुद्दीन ऐबक जिहड़ा है खुद नू दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिता है कि मैं हुण दिल्ली का सुल्तान हाँ। सो इस तरह के नाल उसकी अनाउंसमेंट के नाल ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का सी, गुलाम खानदान का सीगा, वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनया। सो ये ही दिल्ली सल्तनत की एस्टैबलिशमेंट हो गई। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो अभी देख रहे हैं दिल्ली का कैपिटल। दिल्ली सल्तनत की कैपिटल जी दिल्ली रही है। इस तो पहला भी दिल्ली जी है बहुत सारे किंग्स की कैपिटल रही, क्योंकि दिल्ली की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ही ऐसी है कि जिदे नाल जिहड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन पूरे देश का चलाना काफ़ी ईजी रहिंदा सीगा। सो दिल्ली के अगर असं फाउंडेशन की गल कर लीए, दिल्ली फाउंडेशन तोमार वंश के किंग्स ने रखी सी अराउंड 736 ईयर की। सो तोमार ने जिहड़ा पहली बार दिल्ली नाम का जिहड़ा सिटी है वो बिल्ड किया। तोमार तो बाद होर भी बहुत सारे किंग्स का इतने राज रहा है और एक किंग जो शहर है दिल्ली, ये लगातार डिवेलपमेंट होती रही।
स्ट्रैटेजिक लोकेशन दे करके ज्यादातर किंग्स ने दिल्ली नूं अपनी कैपिटल बना के रखिया सीगा। नैक्सट असीं देखदे हां सोर्सेज ऑफ इनफॉर्मेशन। अगर असीं दिल्ली सल्तनत बारे जानना चाहुंदे हां तां सानूं किन्ना सोर्सेज तों दिल्ली सल्तनत दी इनफॉर्मेशन मिलदी है, उस टाइम दी हिस्ट्री सानूं किहड़े सोर्सेज तों पता चलदी है, उह सोर्सेज दो तरह दे ने, इक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ने, दूजे लिटरेरी सोर्सेज ने। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उह ने जो कि एंशिएंट बिल्डिंग्स दे नाल रिलेटेड ने, जो पुराने मोनूमेंट्स मिले ने, पुरानियां बिल्डिंग्स मिलियां ने जां कॉइन्स ने, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विच आउंदे। लिटरेरी सोर्सेज विच वो सोर्सेज ने जिहड़ियां पुराने टाइम दे ट्रैवलॉग्स जां बुक्स मिलियां ने, वन बाय वन डिस्कस करदे आं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दी एग्जांपल्स ने जिवें पुराने किले, फोर्ट्स, टॉम्स, मकबरे जिथे किंग्स नूं दफनाया जांदा सीगा, उहनां द्वारा बनाए गए टैंपल्स जां मॉस्क्स, दैन पुराने मिले हुए कॉइन्स जिहड़े ने, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दीआं एग्जांपल्स हैगीआं ने। होर भी एग्जांपल्स ने ਜਿਵੇਂ ਵੈਪਨਸ, ਹਥਿਆਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਟੂਲਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਫ ਟ੍ਰੈਵਲਰਸ, ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਕੋਰਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖਸ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰੇਹਲਾ। ਰੇਹਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿਨਹਾਜ ਉਸ ਸਿਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਬਰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਲਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਔਰ ਤੁਗਲਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ